वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एग्जाम फॉर टेक में। और फ्रेंड्स, ये है कल के यानी कि 19 सितंबर के थर्ड शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन, जो कि जितने भी कल पूछे गए थे वो मैं सब लेकर आया हूँ। सभी के आंसर्स भी हैं, एक आध के आंसर नहीं है वो मैं बता दूंगा जब भी मेरे पास आएंगे तो। ओके फ्रेंड्स, और इससे पहले फ्रेंड्स मैंने कल सेकंड शिफ्ट के भी जीएस के क्वेश्चन डाले थे, वो भी 18 से 20 क्वेश्चन थे, तो आप उन्हें देखना ना भूलें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से जीके पूछा जा रहा है, तो उसे ज़रूर देखें। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको इजी रहेगा उसे ढूंढना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कल थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पर उससे पहले फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको मेरे आगे की वीडियोज़ देखने हैं, जितने भी SSC MTS के एग्ज़ाम होंगे, मैं सारे के सारे वो GS के इंग्लिश के जितने भी जो मुझे मिलेगा, मैं सब के सब लेकर आऊँगा आपके सामने। ओके फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और फ्रेंड्स, लाइक तो कर ही दीजिए, अभी लाइक कर दीजिए, बाद में शायद आप भूल जाएं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन कल पूछे गए थे थर्ड शिफ्ट में। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, टेलीविज़न की खोज किसने की थी। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, हर किसी को पता है, जेएल बेड ने की थी। फिर अगला पूछा था, हु अपॉइंट CM इन ए स्टेट। तो फ्रेंड्स, गवर्नर करता है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, विंग्स ऑफ फायर के ऑथर कौन हैं। तो फ्रेंड्स, ये APJ अब्दुल कलाम जी हैं, विंग्स ऑफ फायर के ऑथर बुक है फ्रेंड्स ये। और देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग डेंसिटी डिपेंड्स ऑन। तो फ्रेंड्स, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट कैन डिपॉजिट अंडर PM सुकन्या योजना पर ईयर। तो फ्रेंड्स, ये 1.5 लाख रुपये हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो फ्रेंड्स, ये भारत का है, सभी को पता है। और देख लेते हैं, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस कब आए। तो फ्रेंड्स, 1915 को आए थे, याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये। और एक क्वेश्चन करंट अफेयर का भी आया था, कुडनकुलम प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ हाथ मिलाया है। तो फ्रेंड्स, ये रूस के साथ मिलाया है हाथ, अभी कुछ दिनों की पहले की बात है ये। और फ्रेंड्स, GDP का फुल फॉर्म पूछा गया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर स्मॉल वेन्स कॉल्ड एस। तो वेनुलेस बोलते हैं इसे। फिर पूछा गया था, हु गॉट ग्लोरियस ऑस्कर स्पोर्ट्समैन ऑफ 2017, उसेन बोल्ट को मिला था ये। और फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, नमक का रासायनिक फार्मूला, फ्रेंड्स ये सभी को पता, NaCl बोलते हैं इसे। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉमनली नेम्ड एज, इसे स्लेग्ड लाइम बोलते हैं। फिर एक क्वेश्चन था, हुमायूं को किसने हराया। तो फ्रेंड्स, हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया। फ्रेंड्स, इनके बीच दो युद्ध हुए थे, चौसा का युद्ध और एक दूसरा कन्नौज का युद्ध, दोनों में ही शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। अब इसमें नाम मेंशन नहीं किया है कि कौन सा युद्ध था, पर फ्रेंड दोनों में ही हराया था वो। फिर अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में महाराज धीराज की उपाधि मिली थी। तो फ्रेंड्स, ये चंद्रगुप्त प्रथम को मिली थी। और अगला क्वेश्चन था, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम। तो फ्रेंड्स, ये मैकमोहन रेखा बोलते हैं इसे, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर एक पूछा था, कंप्यूटर में i7 क्या है। तो फ्रेंड्स, i7 प्रोसेसर है, सभी जानते हैं i3 i5 i7, ये प्रोसेसर है ये। और एक क्वेश्चन था, नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स। तो फ्रेंड्स, इसे ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आया था ऑस्कर अवार्ड से, जो कि पता नहीं चला है। ओके फ्रेंड्स, तो इतने सारे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग सब सिंपल ही थे, ऐसा कुछ हार्ड नहीं पूछा गया था। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में फिर इतना ही। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपको मेरे आगे की वीडियोज़ देखने हैं तो मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।